आज मैंने बनाया है सहजन की सब्ज़ी, वो भी सरसों वाली। आप लोग भी इसे एक बार ट्राई कीजिए। तो चलिए बनाते हैं सहजन की सब्ज़ी। तो इसके लिए मैंने काट लिया है सहजन, टमाटर, आलू, और ये है मेरे पास सरसों और हरी मिर्ची को मैंने दोनों एक साथ मिक्सिंग जार में डालकर पेस्ट बना लिया है। तो अब हम कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल और तेल को होने देते हैं गरम। तो जैसे ही हमारा तेल गरम हो जाए, इसमें हमने डाल दिया है 5 फ़ोरन। और इसके बाद हम एक एक करके आलू, सहजन, टमाटर सब कुछ ऐड करेंगे इसमें। और इसके बाद हमें इसे 3 से 4 मिनट लगातार चलाते हुए हमें इसे फ्राई कर लेना है। हमें इसे इस तरह से चलाते रहना है और इसे बीच बीच में हमें चलाते रहना है। और इसे हमें इस तरह से 3 से 4 मिनट चलाते हुए हमने इसे फ्राई कर लिया है। तो 3 से 4 मिनट फ्राई होने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक अपने स्वाद के हिसाब से, हल्दी का पाउडर। अब दोनों चीज़ों को भी इसके साथ अच्छे से मिक्स करते हुए चला लेते हैं। अब हम इसे ढक्कन लगाकर कुक करेंगे। तो मैंने इसे ढक्कन लगाकर 1 से 2 मिनट ढक्कन लगाकर कुक किया। और 1 से 2 मिनट ढक्कन लगाकर कुक करने के बाद फिर से हम ढक्कन खोल के फिर से हम चला लेते हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे। तो अब देख सकते हैं आलू भी पक चुका है, सहजन भी। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो हमने सरसों का पेस्ट बनाए थे, सरसों और हरी मिर्ची ऐड करके मैंने ये पेस्ट बनाए थे मिक्सिंग जार में डालकर। तो मैं इसको ऐड कर रही हूँ। तो आपको इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो ये कड़वी हो जाते हैं। तो मैंने जस्ट इसे थोड़ा सा ही मैं इसमें ऐड किया और इससे थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने इसे जस्ट इसके साथ मिक्स करते हुए चला लिया। और तुरंत इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया क्योंकि तोरी को हम ज़्यादा पकाएंगे तो ये खाने में अच्छे नहीं लगते, कड़वी हो जाते हैं। तो मैंने पानी ऐड कर दिया और अब मैं इसे जब तक उबाल ना आ जाए तब तक हम इसे पकाएंगे। और जैसे ही इसमें उबाल आ जाए तो समझिए आपका सहजन की सब्ज़ी पककर रेडी है। तो तैयार है सहजन की सब्ज़ी। आप लोग भी इसे एक बार ट्राई कीजिए और हो सके तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।